हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जार्विस के लिए एक नया कोड अपडेट करवाऊंगा, जिसमें हमारा जार्विस जो है वॉइस से ईमेल भेज पाएगा और हमारा आईपी एड्रेस फेच कर पाएगा। ठीक है, तो मैं अपना वो फोल्डर ओपन कर लूँगा वीएस कोड में। और पिछले वीडियो में आप देख सकते हो हमने इतना कोड लिखा था, क्योंकि तो ये मैंने हाँ इतना कोड लिखा था हमने, आप देख सकते हो, जिसमें हमारा जार्विस जो है वेबसाइट्स और ऐप ओपन कर पाता था। तो अभी जस्ट अ मिनट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है पाइथन एस एम टी पी लाइब्रेरी। और आप देख सकते हो ये मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है। और ये कॉपी करके आपके सीएमडी में जाना है। और आप देख सकते हो ये मैंने पहले से ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा मुझे। लेकिन आप ये मॉड्यूल सिंपली एसएमटीपी लिब टाइप कर इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एसएमटीपीलिब, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक डेफ सेंड ईमेल फंक्शन बनाऊँगा, और सेंड ईमेल में मैं लिखूँगा टू और कंटेंट, ठीक है, और एक कॉलम दूंगा। अब यहाँ पर हमें लिखना है सर्वर इज इक्वल टू एस एम टी पी लिब डॉट एस एम टी पी। smtp.gmail.com। और यहाँ पर आपको कॉमा देख के 587 लिखना है, जो कि हमारा पोर्ट होगा। फिर हमें लिखना है सर्वर डॉट ehlo, सर्वर डॉट ehlo पैरेंथेसिस। और फिर हमें लिखना है सर्वर डॉट स्टार्ट ttls, सर्वर डॉट स्टार्ट ttls। सर्वर डॉट लॉग इन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट आपको प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर अंडरस्कोर जीमेल अंडरस्कोर अकाउंट @gmail.com। तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करवाना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना है, योर अंडरस्कोर पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है। और फिर हमें लिखना है सर्वर डॉट सेंड ईमेल, सर्वर डॉट सेंड ईमेल तो ये आई थिंक यहाँ पर स्पेस ओके। तो यहाँ पर हमें लिखना था सेंड ईमेल, तो एक्चुअली यहाँ पर हमें सेंड मेल लिखना था। और सेंड मेल में आपका ईमेल आपको डालना है, और फिर टू कंटेंट, तो टू और कंटेंट हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। और फिर सर्वर डॉट क्लोज, अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन
जब भी आप ईमेल के लिए ये फंक्शन के लिए ट्राई करोगे तो आपको आपके जीमेल अकाउंट में जाकर लेस सिक्योर एप्स, गूगल कंसोल में जाकर लेस सिक्योर एप्स को अलाउ करना है, तभी ये ईमेल भेज पाएगा। अब यहाँ पर एक एलिफ एलिफ सेंड ईमेल टू ध्रुव इन क्वेरी, तो आप कुछ दूसरे आप जो है अगर मल्टीपल लोगों को आपको ईमेल भेजना है तो आप इसी डेफ फंक्शन का यूज़ कर कर मल्टीपल बना सकते हो। और फिर हम लिखेंगे ट्राई स्पीक व्हाट शुड आई से सर, व्हाट शुड आई से सर, फिर कंटेंट इज इक्वल टू टेक कमांड डॉट लोअर, तो ये लोअर केस में हमारा कमांड लेगा, और फिर टू यानी कि आपको कौन से ईमेल पर आपको ये भेजना है। तो मैं अभी योर एट द रेट ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पर करंटली, और सेंड ईमेल टू कंटेंट और स्पीक ईमेल हैज बीन सेंट, ईमेल हैज बीन सेंट। और अभी अगर ईमेल ये नहीं भेज पाया तो ये क्या बोलेगा, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ई स्पीक सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू सेंड द ईमेल, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू सेंड द ईमेल। और अभी मैंने जैसे कि मैं लेस सिक्योर ऐप्स को अलाउ कर रखा है, तो अभी मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर इसे टेस्ट करूँगा। तो गाइज अभी मैंने अपने डिटेल्स हाइड कर दिए, अभी मैं इसे रन करता हूँ। Good evening, Dhruv sir. I am Jarvis. Please tell me how can I help you? सेंड ई मेल टू ध्रुव, What should I say, sir? हेलो ईमेल हैज बीन सेंड। तो अभी इसने ईमेल तो भेज दिया, देखते हैं हमें ईमेल आया है या नहीं। तो मैं जीमेल में जाऊंगा, और आप देख सकते हो मुझे ईमेल आ चुका है हेलो नाम का। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने अभी हमें ईमेल भी भेज सकता है अभी हमारा जार्विस। तो गाइज अभी देखते हैं कि किस तरह से हम आईपी एड्रेस हमारा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा, एंड फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट ई पी आई इम्पोर्ट रिक्वेस्ट मैं इम्पोर्ट करना चाहूँगा इसमें से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा एलिफ फंक्शन, जैसे कि आपको पता ही है एलिफ आई पी एड्रेस और व्हाट इज माई आई पी एड्रेस इन क्वेरी, आई पी इज इक्वल टू गेट एच टी टी पी एस स्लैश स्लैश ए पी आई डॉट आई पी आई एफ वाई डॉट ओ
आर जी, और यहाँ पर हमें इसको करना है डॉट टेक्स्ट। तो ये गेट में एरर बता रहा है मुझे। तो गाइज हमें एक और स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इम्पोर्ट गेट, इम्पोर्ट गेट। और यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिखा है उसके नीचे हमें लिखना है स्पीक योर आई पी एड्रेस इज, कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे आई पी। यहाँ पर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम डालेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो अभी हमने ये काम तो पूरा कर लिया है। अभी देखते हैं हम हमारा आई पी एड्रेस लेकर। ओके, तो कैन नॉट इम्पोर्ट नेम रिक्वेस्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट ए पी आई। ओके, आई थिंक ये रिक्वेस्ट है। ओके, तो यही है। Good evening, Dhruv sir. I am Jarvis. Please tell me, how can I help you? What is my IP address? Your IP address is 106.195.8.214. तो गाइज आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। आप देख सकते हो जैसे कि आपने देखा ये इसने आईपी एड्रेस दे दिया मुझे, और इस वेबसाइट से आपको अपना आईपी एड्रेस ले लेना है। ठीक है, तो आपको अपनी आईपी की ले लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पर ईमेल और हमारा आईपी एड्रेस फंक्शन डिक्लेयर किया हमारे चार्वस के लिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।